हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ मोलरता, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज से बताना शुरू कर दिया हूँ। यदि आपको 30 क्वेश्चन वाले वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। इसलिए मैं एक एक हेडिंग आपको अब बताना शुरू करूंगा, एक एक हेडिंग आप तक मिलता रहेगा। 2 दिन का समय है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा नंबर केमिस्ट्री में आए। स्टार्ट करता हूँ मोलरता। देखिए, मोलरता किसे कहते हैं, बहुत ही ईजी है, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। देखिए, 1 लीटर बिलियन, ठीक है ना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, अभी समझाऊंगा कैसे होगा, उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। देखिए, 1 लीटर बिलियन में, जैसे कोई बिलियन है, मान लेते हो कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका सूत्र देख लो मोलरता का, जब मोलरता पूछेगा तो सूत्र भी आपको लिखना पड़ेगा। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलेय की, जैसे विलेय की कोई मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, लीटर में होना चाहिए। देखिए, अब कैसे था, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, देखिए यही याद के लीजिए कि मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।